नमस्कार एक मुलाकात कार्यक्रम में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है दर्शकों इस क्रम के तहत आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है सर्जन कैप्टन मनीष सिंह डांगी को कैप्टन सर्जन मनीष बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका इस प्रोग्राम में शुक्रिया आमंत्रित करने के लिए आ, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आ, अपने करियर के रूप में आपने आ, डिफेंस फोर्स को ही क्यों चुना जब 1999 में कारगिल वॉर शुरू हुआ था उस समय मैं कॉलेज में एम में इंटर्नशिप कर रहा था और उस समय मेरा मन था कि मैं भी कारगिल वॉर में मैं भी कुछ पार्ट लेता मेरे जो दोस्त थे मेरे जो क्लासमेट्स थे ट्वेल्थ के वो एन डी के थ्रू ऑलरेडी फौज ज्वाइन कर चुके थे और अलग अलग जगह कारगिल वॉर में पार्ट ले रहे थे बट क्योंकि एम बी साढ़े पाँच साल का होता है तो मैं अपनी फाइनल ईयर इंटर्नशिप कर रहा था और इस चक, इस वजह से फौज में भर्ती नहीं हो सकता था तब तक मेरे कई दोस्त थे जो लड़े उनमें से एक कैप्टन अमित वर्मा था वो मार्टायर भी हुआ था महार रेजिमेंट का तो तब मैंने उसी टाइम्स डिसाइड कर लिया था कि फौज तो ज्वाइन करनी है अभी नहीं तो थोड़े दिनों बाद जब इंटर्नशिप खत्म हो जाएगी तब और आई थिंक कारगिल वॉर वॉज द मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर ज्वाइनिंग द फौज Uh, नौसेना में शामिल होने के लिए तैयारी कैसे की आपने नौसेना में एज अ डॉक्टर एज अ मेडिकल ऑफिसर मेरे मुझे चुना गया है तो इंटरव्यू मेनली मेडिकल नॉलेज तो देखेंगे ही इसलिए मैंने अपनी सब्जेक्ट की नॉलेज पे थोड़ा ध्यान दिया एंड सिंस फौज में खाली मेडिसिन के अलावा बाकी चीजें भी होती है तो फिटनेस एन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो मैंने अपनी फिटनेस की तरफ थोड़ा ध्यान दिया एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए जी एंड बाकी तरीके से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की तरफ काम किया जैसा कि अभी आपने कहा करगिल वॉर से आप प्रेरित थे तभी आपके मन में इच्छा जागी कि आपको डिफेंस फोर्स में जाना है हाँ जी बचपन से युवावस्था तक कभी आपके मन में नहीं आया कि मैं डिफेंस फोर्स में जाऊं? बचपन में तो यही था कि या तो एमबीबीएस करना है या इंजीनियरिंग करनी है और दो इन दोनों की तैयारी चल रही थी लकीली एम बीबीएस में हो गया तो मैंने एम बीबीएस ज्वाइन कर लिया बट रियल चेंजिंग फैक्टर या जो मोटिवेटिंग फैक्टर था वो कारगिल वॉर ही था आई थिंक uh, हमारी जनरेशन वालों के लिए तो कारगिल वॉर वुड हैव बीन अ बिग मोटिवेशन फॉर द फौज तो आपके परिवार से कोई है जो डिफेंस फोर्स में काम किए हैं नहीं मेरे परिवार से कोई नहीं है मैं पहला ही हूँ जिसने फौज ज्वाइन किया अब बताइए आपकी जो पहली पोस्टिंग और आज तक के सफर और आपके अनुभव के बारे में मेरा सफर जो फौज में रहा है प्रोफेशनली और पर्सनली काफी फुलफिलिंग रहा है मुझे ऐसा लगा है कि मैंने काफी गेन किया है एज वेल एज इट हैज बीन वेरी सेटिस्फाइंग अगर प्रोफेशनल चुनौतियों को देखा जाए तो आई थिंक पहली चुनौती जो मेरे सामने आई थी वो सुनामी के टाइम थी मैं सुनामी के टाइम मुंबई में पोस्टेड था पर सुनामी आते ही आ, रिलीफ काम के लिए हमें भेजा गया था कचल आइलैंड जहाँ करीब डेढ़ दो महीने में कचल आइलैंड में रहा वहाँ एक रिलीफ कैंप में मेडिकल कवर प्रोवाइड किया गया था उस समय आई थिंक वो फर्स्ट चैलेंज था मेरे कैरियर का उसके बाद सेंस ये मेडिकल कोर जो है आर्मी का या आर्म फोर्सेस का वो एक ट्राई सर्विस है उसमें ऐसा नहीं है कि आप नेवी में हो तो नेवी में ही रहोगे मैंने आर्मी के साथ भी पोस्टिंग काटी है तो मैं श्रीनगर में भी पोस्टेड था 92 बेस हॉस्पिटल में उस समय काउंटर इंसर्जेंसी काफ़ी पीक पे थी और काउंटर इंसर्जेंसी के टाइम हमारे पास काफ़ी कैजुअलिटीज़ आती थी और मैं एक एनेस्थेटिस्ट यानी जो ओ में बेहोश करता है उस समय मैं एनेस्थेटिस्ट की तरह पोस्ट था 92 टू बेस हॉस्पिटल में तो मेरे पास उस समय बहुत कैजुअलिटीज ट्रीट करने का मुझे मौका मिला आई कुड हेल्प दम रिवाइव और इट वॉज़ बिग चैलेंज फेसिंग कि वहाँ पे हर दिन कभी ना कभी कोई ना कोई, कोई कैजुअलिटी आती थी और ये नहीं कि सुबह या शाम तो एक वो चैलेंजिंग टेन्यर रहा है मेरा वैली में अगला मेजर चैलेंज आई थिंक सब जैसे पूरे देश के सामने भी आया रहा होगा वो था कोविड तब तक मैंने अपनी सुपर स्पेशलिटी क्रिटिकल केयर में कर ली थी इस वजह से मैं आई देखा करता था और बहुत नेवी के हॉस्पिटल जब मैं उस समय पोस्टेड था कलर यानी वाइजैक में विशाखापट्टनम तो वहाँ के आईसीयू में एज वेल एज मुझे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल दिल्ली में बनाया गया था वहाँ के कोविड आईसीयू में भी मैं गया था वहाँ पे भी मैंने काफ़ी जो कोविड की वजह से जो काफ़ी क्रिटिकल पेशेंट थे जो वेंटिलेटर वगैरह पे थे उनका इलाज किया वो एक चैलेंजिंग पीरियड था क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि एक दो दिन की बात थी वो एक लंबा पीरियड था और पेशेंट वेंटिलेटर पे आते थे तो एक बार वेंटिलेटर पर आ गए तो दस दिन पंद्रह दिन तक रहते थे तो दिन रात का पता नहीं चलता था वो एक चैलेंजिंग पीरियड था एंड आई एम हैप्पी की आई कुड सर्व डू टाइम ऑल्सो कारगिल के टाइम जो नहीं कर पाए वो कोविड के टाइम कर लिया इट्स बीन अ वेरी फुलफिलिंग जर्नी अंडमान कब आना हुआ आपका अंडमान पहली बार तो मैं जैसे बताया आपको सुनामी के बाद आया था टू थाउजेंड फोर तो उस समय हम मेनली कैंपल बे और कारदीप होते हुए कचल में गए थे और कचल में एक स्कूल में मेडिकल रिलीफ कैंप लगाया था मेडिकल एज वेल एज अदर रिलीफ एंड uh, मुझे याद है उस समय एक uh, इंदिरा पॉइंट पे जो सुनामी आई थी उस समय इंदिरा पॉइंट से काफी साइंटिस्ट एंड जो वहाँ के एम्प्लॉयज uh, थे वो काफी बह गए थे तो एक एम्प्लॉय के रिससिटेशन के लिए हमें बुलाया गया था जो अराउंड सेवन टेन डेज के बाद कहीं मिले थे सो दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम मैं अंडमान आया था उसके बाद मुझे एक साल होने के बारे में जून में आया था पिछले साल यहाँ पे थ्री ट्वेंटी थ्री में जी तो एक साल हो जाए एक साल होने वाला है मुझे तो यहाँ आकर अपनी सेवाएं आप दे रहे हैं कैसा लग रहा है यहाँ अब तक मैं एज अ डॉक्टर क्लिनिकल काम कर रहा था यहाँ एज अडमिस्ट्रेटिव पोस्ट हूँ तो यहाँ रोल डिफरेंट है यहाँ मुझे खाली अपना इलाज मरीज का इलाज करने की जगह ये देखना है कि सब मरीजों को पूरे निकोबार कमांड में इलाज मिल पा रहा है यानी मारा एंश्योर करना है मेरा काम इस एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क अलग तरह का काम है पर एक वो भी एक फुलफिलिंग काम है डिफेंस फोर्स की वो कौन सी बात है जो आपको ज्यादा आकर्षित करती है मैं कहूँगा वर्दी वर्दी का तो चाम अपना अलग ही होता है प्लस अगर आप एक डिवोशन uh, और uh, एक पेट्रोटिक uh, लाइफ जीना चाहते हो तो डिफेंस फोर्स इज द बेस्ट फॉर दैट दैट इज द मेजर चाम आई थिंक तो जो युवा हमारे यहाँ के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नौसेना में शामिल होकर अपनी सेवाएं देना चाहते हैं उनसे आप क्या कहेंगे क्या क्या गुण होने चाहिए उनमें मैंने यहाँ पे पहले 2004 में भी और अभी भी देख रहा हूँ कि यहाँ के लोग फिजिकली काफ़ी फिट हैं और स्विमिंग में बहुत अच्छे हैं तैराकी में बहुत अच्छे हैं एज अ ने, कैरियर नेवी उनके लिए बहुत अच्छा है तो फिज़िकल पार्ट तो वो अपना उनकी चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बस यही है कि जनरल नॉलेज बढ़ाएं थोड़ा व्यक्तित्व पर्सनैलिटी पर डेवलपमेंट करें तो फौज में आना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा सर्जन कैप्टन मनीष आपको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमंडेशन से भी सम्मानित किया गया है uh, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं uh, मैं जैसे बताया था 92 टू हॉस्पिटल में जो आर्मी का वन ऑफ द मोस्ट प्रस्टिजियस हॉस्पिटल है वहाँ पोस्टेड था 2008 से 10 के आसपास तो so, उस समय एक बार ऐसा हुआ कि मैं अकेला एनेस्थेटिस पोस्टेड था वहाँ पर बाकी छुट्टी पे थे या पोस्ट आउट हो गए थे एंड काउंटर इसरजेंसी ऑपरेशन होते रहते थे पर उस समय एकदम से ऐसा हुआ कि तीन अलग अलग लोकेशन पे तीन अलग अलग ऑपरेशन चल रहे थे तो हमें ओवर 72 टू आवर्स अराउंड बीस कैजुअलिटीज़ हमारे पास आई जिन्हें पहले तो रिससिटेट करना पड़ा और उसके बाद में उन्हें जो सर्जरी के लिए जा, ले जाना पड़ा तो अराउंड सेवेंटी टू आवर्स नॉन स्टॉप ये बीस कैजुअलिटी आती रही और मैं और हमारे बाकी सर्जन्स एंड जो ओ टीम हम सब लगे रहे पूरे सेवेंटी टू आवर्स एंड वी मैनेज टू सेव द ट्वेंटी कैजुअलिटीज तो बस इसी से थोड़ा रिकॉग्नाइज करने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन दिया था अभी बताएं आपने आयरन मैन ट्राइथलॉन में भी भाग लिया है इसके पीछे क्या कहानी है आयरन मैन ट्राइथलॉन को दुनिया का सबसे सिंगल डे नॉट अ मल्टीपल डे वाले तो बहुत सारे होंगे जी जो सिंगल डे टफेस्ट एंड इवेंट वो माना जाता है मतलब इसमें स्विमिंग भी होती है साइकिलिंग भी होती है और रनिंग भी होती है शुरुआत में ओपन वाटर या समुंदर या लेक में अराउंड 3.8 किलोमीटर स्विम करना होता है वन किलोमीटर साइकिल करना होता है फोर्टी टू किलोमीटर्स रन करना होता है तो जब मुझे पता चला आयरन मैन ट्रायथलन नाम की भी एक ट्रायथलन होती है मैं छोटे मोटे तो करता रहता था जो हाफ या वन फोर्थ साइज़ के होते थे ओलंपिक ट्रायथलन बोलते हैं उन्हें मुझे लगा ये भी एक बार ट्राई करना चाहिए और फिर टू में चेन्नई में इस साइज इस इवेंट में मैंने पार्ट लिया एंड आई वॉज एबल टू कम्प्लीट इट फिर आखिरी बार पिछले साल मलेशिया में भी जब आयरन मैन ट्रायथलन हुआ था लंकावी में वहां भी मैं ये इवेंट कर पाया आपने एम बी बी एस किया है उसके बाद करगिल वॉर के बाद आ, सेना ने आपको आकर्षित किया अब ये एथलेटिक्स में कैसे झुकाव हुआ आपका वैसे तो स्कूल में भी खेला करते थे मतलब ऐसा नहीं कि बाद में कुछ हुआ लेकिन मैं शुरुआत टाइम में अपनी नेवी की शुरुआती ज, आ, प्रोफेशनल जर्नी में चिल्का में पोस्टेड था चिल्का एक, एक, एक सेंटर है जहाँ रिक्रूट्स से सेलर बनाए जाते हैं ट्रेनिंग सेंटर है उनका वहाँ मोटिवेट करने के लिए उन्हें साथ में उनके साथ क्रॉस कंट्री कॉम्पिटिशन्स और स्विमिंग ओपन लेक एक बड़ी लेक है चिल्का में तो वहाँ ओपन लेक स्विमिंग हुआ करती थी तो उनके साथ कम, उनको मोटिवेट करने के लिए एज ऑफिसर्स एंड हम लोग भी ज्वाइन किया कर हम भी पार्ट लिया करते थे एंड तो मैंने रियलाइज इट्स अ गुड इवेंट और आई कैन लेक स्विमिंग में भी काफ़ी अच्छी थी मेरी स्विमिंग रनिंग भी लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग भी अच्छी थी तो मुझे इसमें काफ़ी इंटरेस्ट जाग गया लॉन्ग डिस्टेंस एथलेटिक्स तो था ही लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस एंडोरेंस इवेंट्स जो है उस समय ही मेरा शौक जाग गया था स्कूलों की बात करते हैं आपके स्कूली जीवन के आ, कैसे थे आप पढ़ाई पर पढ़ाई में मैं जनरली टॉपर ही रहा था फर्स्ट सेकेंड थर्ड में ही रहता था तो पढ़ाई में तो मैं हमेशा से अच्छा ही था और खेलों में भी आपने खेलों में पार्टिसिपेट करता था जी आ, आप एडवेंचर रेस वर्ल्ड सीरीज 2019 में नेवी का हिस्सा रहे हैं चयन कैसे हुआ आपका ये एडवेंचर रेस जो है इसमें इट्स अ टेस्ट ऑफ एंडोरेंस अगेन इसमें आपकी सहन शक्ति वगैरह सब टेस्ट होती है इसमें अराउंड सौ किलोमीटर पहाड़ों में ट्रैक करना होता है 220 किलोमीटर साइकिल करना होता है अराउंड 60 किलोमीटर रिवर में नौकी नौका भी चलानी होती है तो अ आयरन मैन मैं सारे जो उसके क्राइटेरिया थे वो तो वैसे ही फुलफिल कर रहा था तो इस चक्कर में मुझे भी मौका मिल गया नेवी को रिप्रेजेंट करने का हिमाचल प्रदेश में हुई थी टू में जी जी हम्म अब ये बताएं कि आप वेब सर्फर भी हैं इसके बारे में कुछ बताएं नेवी में हम हमेशा समुंदर के किनारे रहे हैं तो और बचपन में हमने ओल्ड स्पाइस का एड भी देखा था अच्छा जिसमें एक वेव सर्फर सर्फिंग जी जी। किया करता नहीं। नहीं। था पर जनरली मैं वेस्ट कोस्ट पे था तो वहां पे वेव्स इतनी अच्छी नहीं है कि सर्फिंग कर सकें तो मेरी पोस्टिंग विशाखापट्टनम में भी और विशाखापट्टनम की वेव्स जनरली ईस्ट कोस्ट की वेव्स बहुत बड़ी होती हैं तो वहां पर मैंने थोड़ा नेट पे देखा तो पता चला यहाँ वेव सर्फिंग होती है तो यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखे और उनको देखने के बाद एक सर्फबोर्ड सबसे पहले खरीदा वो लेके समुंदर में चला गया सर्फिंग स्टार्ट करने की कोशिश की लकीली पकड़ सीख गया साथ में वहाँ पे कुछ लोकल सर्फर्स भी थे जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं नेशनल सर्फिंग में जैसे एक कल्याण करके एक है एक चिन्ना है तो वो भी मैंने देखा वो भी बीच बीच में आते थे सर्फिंग करने उनसे दोस्ती भी एंडी भी था एक मेरा दोस्त उन्होंने मुझे आ, सर्फिंग के टाइम देखा उस गाइड किया कि ऐसे करना चाहिए स्किल्स ऐसे डेवलप करना चाहिए तो इस तरह से मैं एक सर्फिंग में आई कैन से गुड सर्फर बन गया सर्फिंग के लिए कोचिंग कितना आवश्यक है सर्फिंग आई थिंक uh, एक फिजिकली डिमांडिंग स्पोर्ट है इसमें ना एक तो बैलेंस चाहिए और एक ताकत चाहिए ताकत इसलिए चाहिए कि आपको अपनी जो स्पीड है वेव की स्पीड उससे उसको कैच करने के लिए आपको उसी ताकत से मैच करनी पड़ेगी अपनी स्पीड तो आपकी स्विमिंग अच्छी होनी चाहिए और बहुत पावरफुल होनी चाहिए मतलब आपको थर्टी सेकेंड या वन मिनट की जो सर्फिंग जो पैडलिंग करोगे वो उसमें आपकी पूरी ताकत हाई इंटेंसिटी टाइप है वो उसको एक बार वो कर लिया तो ये नहीं है कि आपने वेव पकड़ ली तो काम हो गया उसके बाद आपको बैलेंस भी करना है तो उसके लिए आपको एक स्ट्रांग बैलेंस एक स्ट्रांग कोर चाहिए तो इट्स आई थिंक वन ऑफ द टफेस्ट स्पोर्ट्स में आएगा वेव सर्फिंग कोचिंग के अलावा अलावा फिटनेस तो इसमें बहुत जरूरी है खाली कोचिंग से नहीं हो पाएगा जी जी फिजिकली फिट भी रहना पड़ेगा तो सर्फिंग के दौरान आपके जो अनुभव रहे हैं अविस्मरणीय अनुभव उसके बारे में और हमारे युवा दोस्तों को आप बताएं 2022 की बात है टेंथ अप्रैल डेट भी थी उस समय मैं छुट्टी पे था मैं संडे का दिन था मैं और मेरे फ्रेंड्स चिन्ना ये एंडी और एक और फ्रेंड रही थी हम लोग सर्फिंग कर रहे थे समुद्र में रिचुकंडा बीच विशाखापट्टनम में है ऐसे सर्फिंग करते रहे तो सडनली दूर से लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आई करीब 200-300 मीटर दूर कुछ लोग चिल्ला रहे थे तो हमें एहसास किया कि कोई लोग डूब रहे हैं कोई टूरिस्ट हैं जो डूब रहे हैं तो सर्फिंग में क्योंकि सर्फ बोर्ड तो हमारे पास था ही तो हमने फुल पूरी ताकत के साथ हम तीनों चल दिए उनकी तरफ और वहां पहुंच के देखा तो चार लोग थे जो एक रिप करंट होता है रिप करंट इज कंसिडर्ड वेरी डेंजरस उसमें क्या होता है कि जब समुद्र का पानी आके एक ही जगह से वापस जा रहा होता है तो उसमें अगर आप फंस गए और आपको अच्छे तैराक नहीं हो तो आप उसको पार नहीं कर पाओगे उसका उस चक्कर में वो जो चार टूरिस्ट थे वो उस रिप करंट में फंस चुके थे और डूबने की कगार पे थे जी तो हम तीनों ने मिलके के वहाँ पहुँचे पहले उनको अपना अपना सर्फबोर्ड पर किसी तरह बैलेंस करवाया फिर उनको साथ में किनारे पहुँचा दिया तो चार लोग को हम बचा पाए और जैसा कि आप जानते हो इंडिया में सबसे पहले कैमरा ऑन हो जाता है तो किनारे पे कोई कैमरा पे रिकॉर्ड भी कर रहा था ये सब ये सब उन्होंने रिकॉर्ड करके यूट्यूब और अदर, अदर सोशल मीडिया पे डाला एंड उस चक्कर में न्यूज़पेपर वगैरह में भी आ गया था ये सर्जन कैप्टन मनीष आपकी बातों से लगता है आप एक बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं तो वर्क प्रेशर और आपका पैशन uh, कैसे सामंजस्य बैठाते हैं आप वर्क प्रेशर मैं तो ये कहूँगा कि पैशन की वजह से ही वर्क प्रेशर झेल पाते हैं और राधा मेरी तो सदा सबके लिए सलाह रहेगी कि सबको कोई ना कोई पैशन ले लेना चाहिए नहीं तो जो बर्नआउट होता है वो बर्नआउट वर्क की वजह से वो आपको कमजोर कर सकता है तो दिस बर्न आउट को अगर से अगर बचना है तो अपना कोई भी पैशन ले लीजिए जरूरी नहीं कि स्पोर्ट्स ही हो। कोई भी पैशन लीजिए उसको फॉलो कीजिए तो आप वर्क प्रेशर भी झेल सकते हो लेकिन और... आजकल देखा जाता है कि हर पेरेंट्स चाहता है कि उनके जो बच्चे हैं वो पढ़ाई में ही आगे निकले तो ऐसे में आप आ, क्या कहना चाहेंगे उन अभिभावकों से मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पढ़ाई जरूरी नहीं पढ़ाई तो नंबर वन जरूरी रहेगी ही रहेगी हमेशा पर पढ़ाई अकेली काफ़ी अच्छी नहीं है बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए स्पोर्ट्स में आर्ट्स में कोई भी एक अच्छी हॉबी जिसमें उसका खुद का इंटरेस्ट है हो सकता है कोई बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं हो लेकिन आर्ट्स में बहुत अच्छा हो लेट हिम डेवलप दैट आजकल हमारी टाइम की तरह नहीं है कि खाली एम करना है इंजीनियरिंग करना है आजकल तो इतने सारे एवेन्यूज हैं कि अगर वो बच्चा अपना पैशन फॉलो करे और उसमें बहुत अच्छा हो तो ही कैन डू वंडर्स जरूरी नहीं कि वो खाली पढ़ाई करता रहे जो उसमें पढ़ाई का टैलेंट है तो पढ़ाई जरूर करे पर अगर पढ़ाई में कुछ लोग होते हैं जिनका दिमाग ऐसे होता है कि वो पढ़ाई नहीं लेकिन किसी और चीज़ में बहुत अच्छे हैं तो उससे फ्लरिश करने देना चाहिए आजकल ये नहीं कहना है ये नहीं है कि पढ़ाई सब कुछ है आई थिंक एवेन्यूज अप कि आप अपनी अगर पैशन को फॉलो करें तो भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं लाइफ में uh, कुछ अभिभावक ऐसे होते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में उनकी जो इच्छाएं पूरी नहीं होती है वो अपने बच्चों पर थोप देते हैं ये सबसे गलत बात है बच्चे को अपने आप ही अपना डेवलपमेंट बच्चे को अपने हिसाब से करना चाहिए अपना अपने आप को बच्चे के ऊपर रेसिप्रोकेट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए इसे न, इसे तो बच्चे का भी नुकसान ही है एक तरह से देखा जाए तो सो इसलिए बच्चे को एक मौका देना चाहिए मतलब ये नहीं कि ढील दे दो पर इतना जरूर दो कि वो अपना पैशन फॉलो कर सके अगर जो भी है उसका है सर्जन कैप्टन मनीष अब ये बताएं आपको यहाँ तक पहुँचने में या आपको आगे बढ़ने में आपके परिवार और आपके दोस्तों का कितना समर्थन मिला बिना परिवार और दोस्तों के समर्थन के मुझे नहीं लगता ये कभी मैं कोई भी अपनी हॉबी या कोई भी पैशन फॉलो कर पाता ये सारे के सारे टाइम डिमांडिंग है तो आपको फैमिली वालों को भी सब भी, भी तैयार होने चाहिए कि आपको तैयारी करने दें आपका साथ दें और uh, फ्रेंड्स तो है बिना फ्रेंड्स के तो ये सब हो ही नहीं सकता तो आई थिंक मेजर रोल द फैमिली एंड फ्रेंड्स का ही है कि मैं अपने पैशन फॉलो कर पाया और आपके आगे और क्या लक्ष्य हैं आपके लक्ष्य तो ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं है बस यही है कि जैसे अभी तक सर्व कर करते पाए हैं वैसे आगे भी सर्व करते रहें आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे हाँ मेरी वाइफ एक साइकेट्रिस्ट है वो नेवी में ही है पोस्टेड अभी फिलहाल विशाखापट्टनम में पोस्टेड है और डॉटर मेरी लॉ कर रही है फर्स्ट ईयर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला से तो अभी उसका फर्स्ट ईयर खत्म होने वाला है बाकी पेरेंट्स हैं मूलता कहाँ के रहने वाले हैं मैं मेरठ का हूँ जी ये उत्तर प्रदेश में दिल्ली से अराउंड फिफ्टी किलोमीटर दूर होगा तो हमारे जो युवा साथी हैं यहाँ पे जो नेवी में शामिल होकर अपनी सेवाएं देना चाहते हैं कृपया विस्तार से आप उनको बताएं कैसे वो शुरू से अपनी पढ़ाई करे नेवी में अगर वो पहले तो उनका इंटरेस्ट होना चाहिए आने का उसके लिए अगर वो चाहते हैं कि वो एक लाइफ जिये जिसमें देशभक्ति हो और एडवेंचर हो साहस हो और डिसिप्लिन लाइफ जीना चाहें तो उन्हें तो ये नेवी का रास्ता जरूर चुनना चाहिए बाकी वो जैसे मैंने कहा वो तो स्ट्रांग फिजिकली तो स्ट्रांग है ही थोड़ा अपना जनरल नॉलेज बढ़ा दें पर्सनली डेवलपमेंट करें आजकल कर इंटरनेट इज़ अ वेरी स्ट्रांग मीडियम तो वो इंटरनेट पे जाके ढूंढते रहें कि कहाँ पे कौन सा एवेन्यू खुल रहा है उसी हिसाब से तैयारी करके ज्वाइन कर लें कैसे तैयारी करें वो तैयारी तो उन्हें अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर ही ध्यान देने और जी और बाकी तो मैं मुझे लगता है फिजिकल फिटनेस में तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए सब्जेक्ट्स वगैरह कौन से चूज करने चाहिए उनको टेंथ के बाद वो डिपेंड करते हैं वो कौन सी एंट्री आना चाहते हैं अगर वो इंजीनियरिंग के थ्रू आना चाहते हैं तो वो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स ले लें अगर वो मेडिकल के थ्रू आना चाहते हैं तो पहले एम करें डायरेक्ट एन के थ्रू आना है तो फिर वो एन की तैयारी स्टार्ट करें उसी समय तो कौन सा ब्रांच कौन सी ये कौन सी स्पेशलिटी चूज करनी है उस हिसाब से उन्हें तैयारी करनी पड़ेगी Uh, बहुत से युवा ऐसे हैं जो uh, इच्छुक तो हैं काम करने के लेकिन जो अपरचुनिटीज है uh, जो संभावना है अवसर है उसके बारे में उनको ज्ञात नहीं है तो उसके बारे में तो मैं यही कहूँगा इंटरनेट इज़ द बेस्ट मीडियम वो अगर रेगुलरली चेक करते रहें इंटरनेट पे तो उन्हें पता चलता है आजकल तो हर चीज़ जो uh, फौज किसी भी नॉट जस्ट नेवी एयरफोर्स भी है आर्मी भी है सब कहीं भी ज्वाइन करना चाहें तो इंटरनेट पर आता रहता है तो उन्हें वो देखते रहना चाहिए कि उनके शौक के हिसाब से उनके इंटरेस्ट के हिसाब से वो कौन सी सर्विस ज्वाइन करें और कौन सी ब्रांच ज्वाइन करें तो इंटरनेट को एज सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करने की जगह इसको पॉजिटिवली यूज करें एंड फाइंड सम और अदर ज्वाइन। सर्जन कैप्टन मनीष देखिए डिफेंस फोर्स में काम करने के लिए सबसे पहले डिसिप्लिन की जरूरत होती है आदमी डिसिप्लिन होना चाहिए uh, वैसे कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी अहदे पे क्यों ना हो किसी भी नौकरी में क्यों ना हो अनुशासन कितना जरूरी है खाली डिफेंस या अनुशासन तो मेरे ख्याल से लाइफ में हर हर किसी भी किसी भी सर्विस में किसी भी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में अनुशासन सबसे जरूरी उसी से मानसिक शक्ति आएगी एक बार अगर मेंटली स्ट्रांग हो मानसिक शक्ति आई है तो आप कोई भी अचीवमेंट कर सकते हो मेंटल स्ट्रेंथ आएगी डिसिप्लिन से ही तो डिसिप्लिन तो हर चीज में जरूरी है सिर्फ फौज में ही नहीं अंत में क्या कहना चाहेंगे आप अंडमान निकोबार के बारे में तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हेवन uh, है फॉर दोज हु वांट टू सी द अंडर द सी समुंदर के नीचे यहाँ एक अलग ही खजाना है तो अगर किसी को अंडमान निकोबार आना है तो डाइविंग स्नोकलिंग के लिए इससे अच्छी जगह मेरे को नहीं लगता कहीं और मिलने वाली है यहाँ के कोरल्स यहाँ की मरीन लाइफ इज अनकम्पेरेबल टू एनी एल्स और ये एक बहुत खूबसूरत जगह है अंडमान निकोबार और यहाँ सबको आना चाहिए यहाँ के युवाओं को और क्या कहेंगे आप यहाँ के युवाओं को मैं यही कहूँगा जो आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ड्रग्स की दे शुड नॉट दे शुड स्टे अवे फ्राम ड्रग्स एनी एडिक्शन राधर एल्कोहल से भी बर्बाद कर देगा क्योंकि आजकल दुनिया में और इंडिया में भी बहुत युवाओं में फैल रहा है तो उससे दूर रहें दैट इज माई To all of them. तो सर्जन कैप्टन मनीष सिंह डांगी आज आप कार्यक्रम में आए हम समझते हैं कि हमारी जो बातचीत हुई है हमारे युवाओं को काफी जानकारी मिली होगी जो नौसेना में शामिल होकर अपनी सेवाएं देना चाहते हैं आज आप कार्यक्रम में आए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद आपका बुलाने के लिए तो दर्शकों एक मुलाकात कार्यक्रम के अगले अंक में आपसे फिर हमारी मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार